आज भारत भर में 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत केवड़िया स्थित टेंट सिटी में भी ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज देश भर में 70वें गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है, तब नर्मदा जिला के केवड़िया में भी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास बनाई गई टेंट सिटी में 26 जनवरी को मनाया गया था। टेंट सिटी में 400 से ज्यादा सैलानी रुके हैं, जहां टेंट सिटी के मैनेजर प्रबल पटेल के द्वारा यह आयोजन किया गया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नायब कलेक्टर नीलेश दुबे के द्वारा राष्ट्र ध्वज को फहरा कर सलामी दी गई थी। मेरी परछाई मेरी चुनरिया लहराई, जग से हारा नहीं रे। प्रजासत्ताक दिन निमित्ते आज अहीं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना टेंट सिटी खाते एक ध्वजवंदन समारोह आयोजन करवामां आव्युं हतुं। जे हेठळ आज जे अहीं प्रवासी आव्या छे एमणे पण आज ध्वजवंदनमां भाग लीधो अने एक नानकडो सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पण हतो। આજે અન્ય ધ્વજના કાર્યક્રમો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પણ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં મહારાષ્ટ્રથી અને લખનૌથી જે ધ્વજ લઈને જે દેશભક્તો છે તે પણ આવેલા છે। એટલે હવે એક રીતે જોવા જઈએ તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ સમગ્ર દેશના ખૂણે ખૂણેથી નાગરિકો માટે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે અને આવનાર સમયમાં પણ નવા આકર્ષણો સાથે વધારે મુલાકાતીઓ આવશે। આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધી 7.5 લાખ મુલાકાતીઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી છે, જે પૈકી 3.5 લાખ લોકોએ વ્યૂઇંગ ગેલેરીથી આસપાસના એરિયાને નિહાળ્યો છે।